दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। मेक शो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई डू आई टॉक अबाउट सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड एवरी वीडियो दैट आई रिकॉर्ड। सो बेसिकली वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स यू कंटेंट इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ना सिर्फ ये कि हमारे प्रोवाइड किए हुए कंटेंट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। डाइवर्सिटी क्या होता है भाई? डाइवर्सिटी ये होता है कि जो हर तरह की चीज़ को, हर तरह के कॉन्टेंट को जो है वो कवर करता हो। और आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली आई रिकॉर्ड क्रिकेट शोज, बट अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी इस चैनल पे बात होती है। ना सिर्फ वो बल्कि डेली लाइफ के जो आम रूटीन के काम होते हैं उसमें कुकिंग भी आ जाती है। उसमें आप जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबली आप एक तरह का प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं जो ग्लोबल जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही है, जितने भी इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स हैं उसको कवर कर रही हो, तो ये चैनल हर तरह का वो काम करता है। बट अगैन आई वुड से कि मैं थोड़ी सी उदास हूँ आज, क्योंकि रमज़ान यार इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। और ये जो रमज़ान है अगर आपने नोट किया हो तो बहुत जल्दी गुजरा है। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी रमज़ान गुजरने वाला है, बिकॉज एट वन पॉइंट यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी तो आया था यार, अभी रमज़ान आया और इतनी जल्दी जा रहा है। आई मीन दैट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल, बट ईद आने वाली है, दैट इज़ अ मोस्ट सॉर्ट ऑफ हैप्पी थिंग, यू नो दैट आई एम हैप्पी एक्चुअली अबाउट। मैं बहुत खुश हूँ ईद आने वाली है, विल इन्जॉय आर गैदरिंग्स। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम तो ईद मनाएंगे लेकिन वट अबाउट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स, ठीक है, सिस्टर्स। मतलब वो पैलेस्टाइन में द काइंड ऑफ वॉर दैट दे आर फेसिंग, द काइंड ऑफ टॉर्चर दैट द किड्स, स्मॉल स्मॉल किड्स आर फेसिंग, दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बहुत हार्ट रेंचिंग है। और जब आप सुनते हो कि यार वो गाज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्टार्ट फीलिंग कि यार ये क्या हो रहा है, हम फिर मुसलमान किस काम के कि लाइक हम ईद मना रहे होंगे, तैयार होंगे, ईद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल दो हम जितना कर सकते थे हमने किया, वी बायकॉटेड द ब्रांड्स, बट अगैन हम बहुत दिल से उदास हैं और हम जितना भी उनका करना चाहें, यू नो, एक दिलासा देना चाहें, हम नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स समथिंग दैट इज़ इमेरेबल, ठीक है। वो आप उस चीज़ का, उस दुख का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो। और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में है, आई मीन इमरान खान इज़ बिहाइंड द बार्स एंड इस तरह की पूरी सिचुएशन मची हुई है, तो उस तरह से किसी चीज़ का मज़ा नहीं आएगा। बट अगैन इट्स लाइफ, इट हैपन्स एट द एंड ऑफ द डे, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। खैर कहाँ पे हम निकल गए, अब बात करते हैं हम अपने एक्चुअल मेन टॉपिक के बारे में। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिए, मेक शो कि आप उन सब यू नो टाइम स्टैम्प्स को देखें एंड मेक योर सेल्फ कन्वीनियंट विद द कॉन्टेंट दैट आई प्रोवाइड यू विद। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद IPL, IPL का डबल हेडर हुआ आज। और पहला मैच जो था दैट वॉज इन बिटवीन लखनऊ सुपर जॉइंट्स वर्सेज गुजरात टाइटन्स। लखनऊ सुपर जॉइंट्स जो है दे पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 164 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। किसके लिए भाई? गुजरात टाइटन्स के लिए। और जिसमें मैं आपको बताऊं, डिकॉक ने कुछ नहीं किया। लखनऊ की बात करूं, ओपनर डिकॉक ने कुछ नहीं किया। KL राहुल कप्तान ने 33 of 31 बॉल्स किया, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन T20 क्रिकेट। स्टोइनिस ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ही स्कोर 58 of 43 बॉल्स, थोड़ा बहुत टॉलरेबल है। पूरन ने 32 of 22 किया, गुड कैमियो बाय पूरन। बैडोनी ने 20 of 11 किया, क्वाइट एवरेज, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा टारगेट बन गया, ठीक है, इट इज़ क्वाइट रीजनेबल। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि गुजरात की बॉलिंग थोड़ी सी थी या फिर ट्रैक इस तरह का था कि जिस तरह पे बैटिंग मुश्किल हो रही थी, तभी गुजरात टाइटन्स कुडंट इवन चेज द टारगेट ऑफ 164 एंड दे एंडेड अप लूजिंग द गेम। ऑल आउट हो गए 18.5 ओवर्स में, स्कोरिंग ओनली 130 रन्स, जिसमें सई सुदर्शन ने 31 of 23 बॉल्स का कैमियो प्रोवाइड किया। यहाँ पे वो एज एन ओपनर कैमियो प्रोवाइड करना, वो भी T20 की इनिंग्स में, वाइल चेजिंग इज नॉट everyone cup of tea, but again he did it। Shubman Gill 19 of 21, कुछ भी नहीं किया। Kane Williamson पर अगर बात की जाए, बड़े महान कोई प्लेयर है, वैसे हैं महान, ठीक है, उनकी मैं बड़ी तारीफ करती हूँ, he's one of my favorite players, but again IPL के लिए, इनको मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि IPL के लिए ये नेशनल ड्यूटी पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है। पिछले साल भी इन्होंने यही किया था, जो इंजरों के बैठ गए थे,
इस साल भी इन्होंने जो है वो यही किया। गुजरात टाइटंस के लिए पहले तो बेंच हुए, फिर जब इनको खिलाया गया, मौका दिया गया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज भी कुछ नहीं किया। वन पर आउट हो गए, चले गए इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर गुजरात टाइटन्स। ही गॉट आउट अर्ली और इस तरह से गुजरात टाइटन्स का जो है यहाँ पे वो सफर एंड हुआ। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से यादव ने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है। उसके अलावा राशिद खान ने और नूर अहमद ने दे वर क्वाइट रीजनेबल विद देयर विकेट्स विद देयर इकोनॉमीज। इसकी वजह से मैंने जो है वो सिर्फ हाईलाइटेड प्लेयर्स को यहाँ पे उनका नाम लिया है। अगर यू नो लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग की बात की जाए तो क्रूनल पांड्या वॉज वेरी गुड। नाउ यू विल एक्चुअली आस्क मी कि ये 10 विकेट जो गिराई है, ऑल आउट जो किया है टीम को, ये कौन महान प्लेयर्स थे भाई? मैं आपको बताती चलूँ, क्रूनल पांड्या जो कि हार्दिक पांड्या के भाई हैं, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली। और यश ठाकुर द फास्ट बॉलर द फास्ट पेस सेंसेशन जो यश ठाकुर हैं, उन्होंने 5 मारा, वो भी T20 क्रिकेट में, वो भी उस वक्त जबकि ऑपोजिशन चेस करी। एब्सोल्युटली अमेजिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही लखनऊ की, जिसकी वजह से दे वर एबल टू विन दिस बिग मैच। जो दूसरा मैच हुआ डबल हेडर में वो था मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स का। मैं आपको बताती चलूँ कि मुंबई इंडियंस इस मैच से पहले टेबल के सबसे निचले जो दर्जा होता है उस पर था, दे वर एक्चुअली ऑक्यूपाइड विद दैट पर्टिकुलर प्लेस। बट जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीच में हार्दिक पांड्या ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, 4 मैचेस खेले थे, 4 मैचेस हार कर जो है वो सबसे बॉटम पे थे। बट अगेन हार्दिक पांड्या ने जो है उन्होंने कहा कि ही नीड टू डू समथिंग, और वो उन्होंने फिर टेम्पल्स विजिट किए और फिर बड़ी इबादतें की, वो जो पूजा वगैरह करते हैं वो किया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जब आए और जब उन्होंने अपना पहला मैच खेला उस यू नो पूजा के बाद एंड ऑल फुलफिलिंग ऑल दोज रिचुअल्स, तो ही वॉज एबल टू विन द फर्स्ट मैच ऑफ मुंबई इंडियंस के लिए। और बड़ा ही जिसे कहते हैं डोमिनेशन के साथ यार मैच जीता है। मतलब मुंबई इंडियंस बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड टारगेट ऑफ 235 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जिसमें अगर मैं आपको प्लेयर्स के नाम बताऊं, थोड़ा स्कोर कार्ड आप लोगों के लिए रिव्यू कर दूं, रोहित शर्मा 49 ऑफ 27 बॉल्स का कैमियो खेला, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे, इसीलिए इसको हिटमैन कहा जाता है। आई एम रियली एक्चुअली हैप्पी दैट ही इज नाउ बैक विद हिज फॉर्म, बहुत जबरदस्त और कमाल का प्लेयर है। बट जब ये रन स्कोर नहीं कर रहा था आईपीएल में फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स, सो आई वाज रियली सैड टू सी दैट। ईशान किशन 42 ऑफ 23 बॉल्स, एक और ओला कैमियो बाय इन द बैटिंग कार्ड ऑफ मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या द कैप्टन स्कोर्ड 39 ऑफ 33, बट आखिर में जो पार्टनरशिप लगी टिम डेविड और शेफर्ड की, दैट टोटली चेंज द गेम। उसकी वजह से 200 से ऊपर रन्स का जो है वो टारगेट बना था। टिम डेविड ने 45 ऑफ ओनली 21 बॉल्स का कैमियो खेला, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अनबिलीवेबल हिटिंग बाय द यंग गाय। और शेफर्ड ने 39 ऑफ 10 बॉल्स किए। जब मुल्तान सुल्तान्स के को इस बार वो टिम डेविड के साथ नहीं गए, तो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड टू सी के यार मुल्तान सुल्तान्स के लिए जो टिम डेविड है वो बड़ा एक जबरदस्त हिटर का काम करते हैं। जब मैंने देखा कि यार इस दफा तो ड्राफ्ट में वो है ही नहीं, तो फिर मुझे बड़ा एक जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग हुई। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप देखते हो कि यार आपकी फेवरेट टीम वन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स के साथ नहीं जा रही, तो एक अंदर से मायूसी होती है। बट अगैन टिम डेविड ने जिस तरह से ही स्कोरिंग फॉर मुंबई इंडियंस और जो कैमियोज प्रोवाइड करते हैं, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट इट, ठीक है। जिसकी वजह से एवरी टीम वॉन्ट्स टू हैव दिस गाय इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेइंग 11, बट वॉट एन इनिंग्स बाय हिम, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके अलावा अगर आप बात करो चेस पे, जब बारी आई तो चेस पे मतलब जिसे कहते हैं कि यू नो लड़खड़ा गया दिल्ली कैपिटल्स, 205 स्कोर करके 8 विकेट्स के नुकसान पर दे वर डन विद द गेम। और इस तरह से मुंबई इंडियंस ने गेम को 29 रन से जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो उनके ओपनर पृथ्वी शॉ ने उनको बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, 66 ऑफ ओनली 40 बॉल्स। डेविड वार्नर ने कुछ नहीं किया, पोरल ने 41 ऑफ 31 स्कोर किया। स्टब जो कि वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स हैं करंट गेम में, और वो बंदा वाकई जो है वो आईपीएल में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आता है, ही स्कोर्ड 71 रन, सुन लें 71 रन ऑफ ओनली 25 बॉल्स। एक ऐसी फिगर है जो कि बड़ी खुद ब खुद हाईलाइट हो रही है, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के थे। यकीन नहीं करोगे आपके एक टीम का एक प्लेयर इस तरह की नॉक खेलने के बावजूद अगर हार रही है ना, तो फिर उस टीम के लिए मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। आई मीन आई एम सो डन विद दैट वन पर्टिकुलर टीम, ठीक है, सो डन। तो ये जो है ये सीन हुआ, स्टब्स जो है वो इस तरह से गए। बट अगेन लेकिन अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान ने भी एक दफ़ा इसी तरह का कैमियो प्रोवाइड किया था, जो ये वाला सीजन गुजर के गया, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। आई फील लाइक इट वाज अगेंस्ट पेशावर,
ये है कि अगेन एक प्लेयर से कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन यार इस स्कोर कार्ड में दो प्लेयर थे, एक आजम खान थे, एक पृथ्वी शॉ थे। उसके बाद यू नो पंत फेल्ड, द कैप्टन फेल्ड, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट उन पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता बिकॉज एक प्लेयर रोज नहीं चल सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ पर्सन, आपको समझने की जरूरत है। तो ये था आईपीएल का डबल हेडर, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप मजीद वीडियोज में क्या देखना चाहते हैं, ईच शोज में क्या देखना चाहेंगे, सो दैट मैं आप लोगों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। और आप लोगों को नई स्ट्रैटेजी के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताते चलूँ कि वो इंसान या वो बंदा या वो बंदी जो मेरी वीडियोज के अंडर रेगुलरली कॉमेंट करे, he or she will get a chance to record a live show with me, will be enjoying so much. So please make sure ki aap comments regularly kiya karein. Well, this is Laiba Vasi signing off. Take care of yourself and your family. Thank you so much. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/ramadan.